हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मार्केट मैगनेट्रेन मैं राहुल गौतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर आज लेके आया हूं क्लास इलेवंथ अकाउंटेंसी से बैंक रीका स्टेटमेंट हम अभी तक बैंक स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं उसी श्रृंखला में आज और कुछ क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम और एमपी बोर्ड स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है मेरा प्रीवियस वीडियो भी लिंक में मिल जाएगा और अभी तक के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्ले के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास बैंक रिकॉन्शियस स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं सर चार सिचुएशन हो सकती है आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है दूसरा आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है सर कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस कैश कैश बुक बुक जब बीआरएस की बात करते हैं तो का मतलब होता है कैश बुक के बैंक कॉलम से राइट तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ कर सकता है इसलिए आपका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है हम एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं अभी तक इतने दिनों से रूल यह है कि सिंपल सर नीचे जो बैलेंस होता है उसकी हम बात सुनते हैं नीचे का बैलेंस अगर प्लस करता तो प्लस कर लेते हैं माइनस करता तो माइनस कर लेते हैं कुछ भी नहीं करता दूसरा वाला प्लस कर लेता तो उसको माइनस करने के लिए बोलते हैं ये कुछ भी नहीं करता तो दूसरा माइनस कर लेता उसको प्लस करने के लिए बोल देते हैं राइट right? ऐसे करके हम इसको अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं राइट right? अच्छा एक दो बात और जो ध्यान रखनी होती है हमें कि सर जो कैश बुक होती है उसका डेबिट होता है प्लस और उसका क्रेडिट जो होता है वो माइनस वैसे ही पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है और पासबुक का डेबिट जो है वो माइनस बैलेंस माना जाता है राइट right? चलिए तो शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू दी बैंक बैलेंस एस वुड अपियर इन दी कैश बुक कैश बुक में कितने रुपए का बैलेंस आएगा आपको बताना है ऑफ रमेश एज ऑन थर्टी अक्टूबर टू और हमारे पास ट्रांजेक्शन डिफरेंसेस गिवन है, राइट तो क्या करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक फॉर्मेट, क्वेश्चन पढ़ते जाते जाते हैं, जाते हैं एनालाइज करते और सीधा रिकॉर्ड करेंगे चलो, तो फॉर्मेट ज्यादा टिपिकल नहीं होता है एक बॉक्स बना के दो कॉलम बना लेते हैं राइट right? अमाउंट के लिए बनाते हैं दोनों कॉलम एक इनर कॉलम होता है एक आउटर कॉलम होता है चलिए तो ये बन जाता है आपका फॉर्मेट ऊपर क्या लिखते हो सर बी आर एस ऊपर क्या लिखते हैं सर हम बैंक रिकॉन्सुलेशन स्टेटमेंट चलिए क्या लिखते हैं बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर्स और फिर आता है अमाउंट राइट right? एक फॉर्मेट की कॉपी कर लेंगे दो क्वेश्चंस लेके आए हैं सो so दैट हम क्या कर सके दूसरा क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में कर लेंगे राइट चलिए तो ये रहा हमारा सेकेंड फॉर्मेट आ जाओ थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को बनाना है तो लिख देंगे सर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू राइट चल कौन सा बैलेंस गिवन है बैलेंस एस पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट यानी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस दैट इज नेगेटिव रुपीस बैंक पासबुक सो डेट ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सोलह हजार पांच सौ का नेगेटिव बैलेंस आपको देखने को मिलता है तो नीचे हमें क्या कैलकुलेट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक कैलकुलेट करना है और यहां पे दो ऑप्शन ऐड करते हैं एडिशन और सब्सक्रैपन के लिए चलो अब पढ़ते जाएंगे ट्रांजैक्शन एनालाइज करेंगे और उसको प्लस या माइनस करना करते जाएंगे राइट चलिए इंटरेस्ट ऑफ रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हैजीटेड इन पास बुक पास बुकबुक मेंशबुक का बैलेंस मतलब है कैश बुक ने कुछ नहीं किया पास बुक ने माइनस कर दिया तो सुनना किसकी है कैश बुक आपको क्या करना पड़ेगा एडबैक क्या करना पड़ेगा एडबैक करना पड़ेगा तो लिख देते हैं प्लस कॉलोम में इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट इंटर्ड नॉट इंटर्ड इन कैश बुक हाउ मच ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीस राइट चल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़िए लिखा हुआ है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक अगेन माइनस अमाउंटेड टू थर्टी फाइव कहां पर माइनस हो चुका है पासबुक में कैश बुक ने कुछ किया नहीं किया तो एडबैक करना पड़ेगा बैंक चार्जेस एडबैक करना पड़ेगा आपको बैंक चार्जेस राइट एड कर देते हैं हम बैंक

टिल दैट डेट अमाउंटेड टू इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चेक इशू कौन करता है कैश बुक कैश बुक ने चेक इश्यू कर दिए पेमेंट कर, मतलब कर दिया मतलब माइनस कर दिया लेकिन पासबुक ने कुछ भी नहीं किया तो आपको किसकी सुननी है कैश बुक की तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटिंग टू अलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अलेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डन नेक्स्ट है सर चेक पेड इन टू बैंक बिफोर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अपू दैट डेट वर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड चेक जमा किए किसने कैश बुक ने मतलब कि प्लस कर दिया पासबुक ने कुछ नहीं किया तो आपको भी प्लस करना पड़ेगा चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड अमाउंटिंग टू रूपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय दी बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन पासबुक पासबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक में प्लस अमाउंटेड टू एटीन हंड्रेड अब इन्होंने कर लिया कलेक्ट लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो so, क्या करना है सर माइनस कर दीजिए पासबुक ने प्लस कर दिया कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू रुपीस वन थाउजेंड एट हंड्रेड राइट क्या सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए मैंने हाँ जी सर ऑल ट्रांजेक्शन अब बिन रिकॉर्डेड अब क्या करना है अब बस सर कैलकुलेट कर लीजिए आप प्लस माइनस करके चलो तो पॉजिटिव बैलेंस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर थ्री सेवन एट फाइव थ्री सेवन एट फाइव राइट और ये हो जाएगा सर एलेवन प्लस ट्वेल्व और थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस माइनस कर लें तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड होगा नेगेटिव का राइट किसका होगा निगेटिव होगा ना सिक्सटीन प्लस थर्टीन एस ट्वेंटी नाइन और एट हंड्रेड आ गया थ्री सेवन एट फाइव माइनस कर लेंगे इसमें से थ्री सेवन एट फाइव फाइव वन और ज़ीरो नाइन माइनस थ्री सिक्स एंड टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ज़ीरो फाइव और कौन सा बैलेंस आएगा नेगेटिव साइड बड़ा तो नेगेटिव और कैश बुक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व होता है आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए क्लियर है आसान लगने होगा लगा होगा बी आर एस क्योंकि अब हम अबाउट टू एंड करने पड़े हैं बी आर एस को सारी पॉसिबिलिटी हमने बी आर एस की कर ली है एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करवाया है डन चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गुरप्रीत प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सुलेशन स्टेटमेंट

एज पर पासबुक और डेबिट बैलेंस ओवर ड्रॉन कितने से है ओवर ड्रॉन टेन थाउजेंड माइनस टेन डन अब क्या करोगे इधर आएगा क्या कैशबुक बैलेंस आ जाएगा नीचे तो किसकी सुननी है कैशबुक की सुनेंगे सर बैलेंस एस पर कैश बुक राइट दो ऑप्शन एड आइटम्स लेस आइटम्स पहला ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे चेक्स ड्रॉन इन लास्ट वीक ऑफ मार्च 23, बट नॉट क्लियर टिल थर्ड अप्रैल ट्वेंटी थाउजेंड चेक ड्रॉन मतलब इशू कर दिए किसने इशू कर दिए कैश बुक ने माइनस कर लिया पासबुक ने कुछ नहीं किया तो पासबुक तुम्हें तो भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो माइनस कर देते हैं ट्वेंटी थाउजेंड के चेक इशूड चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटिंग टू रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार से कर देंगे राइट चल फिर आता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटेड इन कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने ले लिया बैंक ने ले लिया मतलब माइनस किया होगा कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक क्या बोलेगा वापस बैक कर लो पासबुक तुमने कर लिया तो तो इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट इंटेड इन कैश बुक इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट इंटर्ड इन कैश बुक अमाउंटिंग टू फिफ्टीन हंड्रेड राइट चेक्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड डिपॉजिटेड इन बैंक मार्च ट्वेंटी थ्री बट नॉट क्रेडिटेड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल थर्ड अप्रैल अब देखो बीस हजार के कैश बुक ने जमा कर दिए पासबुक ने कुछ नहीं किया तो पासबुक तुम भी प्लस कर लो चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड कितने से सर ट्वेंटी थाउजेंड से राइट चले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर हंड्रेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर हैज नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया माइनस कर दिया किसने माइनस किसने कर दिया पासबुक ने कैशबुक ने कुछ किया नहीं किया तो आप प्लस कर दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड इंश्योरेंस पेड बाय बैंक तो आपने हंड्रेड रुपीज प्लस कर लेना है फिर आता है लास्ट अ ड्राफ्ट ऑफ टेन थाउजेंड फेवरिंग अतुल एंड कंपनी वॉज इशूड बाई बैंक चार्जिंग कमीशन ऑफ टू हंड्रेड दो सौ एवर इन द कैश बुक एंट्री वॉज पास बाय टेन थाउजेंड कैश बुक ने दस हजार से रिकॉर्ड किया जबकि पासबुक ने दस हजार दो सौ से रिकॉर्ड किया मतलब दो सौ रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा माइनस किया और पासबुक ने कैश बुक ने माइनस नहीं किया तो आपको ऐड करना पड़ेगा ठीक है कमीशन ऑन ओडी कमीशन ऑन बैंक ड्राफ्ट कमीशन ऑन कमीशन ऑन बैंक ड्राफ्ट टू हंड्रेड रुपीज ऑल ट्रांजेक्शन इंटर्ड नेक्स्ट पेज पे कोई ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है नहीं है सर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इंटर आप प्लस माइनस कर लो तो ये हो जाएगा ट्वेंटी ए ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड और ये माइनस हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड चल तो थर्टी थाउजेंड में से ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस करना है माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ज़ीरो 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 टू नाइन माइनस वन इज एट एट थाउजेंड टू हंड्रेड नेगेटिव बढ़ा तो नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस मतलब कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप करेंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए आप ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है डन इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ये वाला वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है राइट right? चलो आपको अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है वहाँ पे सब कुछ मिलेगा मैग्नेट विंस एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है हंड्रेड फ्री हंड्रेड फ्री कंप्लीट क्वालिटी एजुकेशन क्या मिलेगा सर टॉप कोर्सेस में सी बी एस ई इंग्लिस मीडियम ऑल क्लासेस और ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम के जी टू क्लास ट्वेल्थ फिर सिमिलर पैटर्न में आपको मिलेगा सी बी एस ई हिंदी मीडियम फिर आपको स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस भी निशुल्क उपलब्ध होते हैं राइट आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं सारे पैटर्न आपके कराए जाते हैं क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होता है और सभी तरह के क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाया जाता है मैग्नेट विंस पर इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश सी यू टी एन टी एस सी और ओलंपियाड के वीडियोज भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लगे होते हैं राइट right, चलो इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर भी हमारे वीडियोस को आप निशुल्क देख सकते हैं राइट हमसे जुड़ने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स एंड टेलीग्राम इन माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग